Cheerful greetings to all the jury members. My name is Narendra Sharma. I am a computer teacher in Swami Atmanand Government English Medium School. First of all, I would like to thank all of you for providing this opportunity and this platform to present my project. Here I am with my project, Health Monitoring System. हमारे इस हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम से हम अपने ग्रामीण अंचल और दूर दराज के इलाकों में भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सुविधा मुहैया करा सकते हैं। अगर ये हमारा ये डिवाइस किसी गांव के किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इंस्टॉल है और वहां पे एक ऑपरेटर अगर इस हार्डवेयर सेंसर के माध्यम से किसी पेशेंट का डेटा कलेक्ट करता है तो वो डेटा जो इम्पोर्टेंट वाइटल उसकी हेल्थ इंफॉर्मेशन है, चाहे उसका टेम्परेचर हो, बीपी हो, शुगर लेवल हो, उसका लंग्स कैपेसिटी हो, ऑक्सीजन लेवल हो, ये जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो हम आसानी से उसे अपने आरोग्य सेतु ऐप या किसी सॉफ्टवेयर में साझा कर सकते हैं, जो कि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर आसानी से उसके जो वाइटल हेल्थ ऑर्गन है उसका इन्फॉर्मेशन देख सकता है और उसके अनुसार उसे उपचार और जरूरी टेस्ट अगर जो कराने हैं उस तरीके से उसको प्रिस्क्रिप्शन लिख करके दे सकता है। तो जो देखा गया है कि ग्रामीण इलाकों में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बहुत कम होते हैं या कहीं जगह तो होते ही नहीं है, तो ऐसी जगहों में भी हम अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त बनाया जा सकता है। ये हमारा प्रोजेक्ट इसमें भी बहुत हेल्पफुल साबित होगा। हमारा ये प्रोजेक्ट एक हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है जिससे हम स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर बना सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारा हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है, एक डिवाइस है, देख रहे हैं आप, जिसमें की दो यूनिट है। एक हमारा ये हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसमें सारे बायोटेक सेंसर्स अटैच किए हुए हैं और दूसरा हमारा एक वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूनिट है। जो भी डेटा, जो भी स्वास्थ्य की जानकारी पेशेंट की हम इस सेंसर से कलेक्ट करेंगे उसको हम वायरलेस टेक्नोलॉजी और इस कंप्यूटर इंटरनेट के ओपन सर्वर के माध्यम से हम इस जानकारी को सरकार के साथ और स्वास्थ्य विभाग के साथ साझा कर सकेंगे। तो ये हमारा डिवाइस एक प्राथमिक सेवा स्वास्थ्य केंद्र में भी उपयोग में लिया जा सकता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को पावर देने के लिए सिर्फ एक 9 वोल्ट की बैटरी की आवश्यकता है। अगर हम चाहें तो अपने मोबाइल चार्जर से भी इसे पावर सप्लाई दे सकते हैं और जहां बिजली नहीं भी है, ऐसे ग्रामीण अंचल जहां पे बिजली भी नहीं है, तो भी उसे वहां 9 वोल्ट की बैटरी से हम ऑपरेट कर सकते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास एक स्मार्ट डिवाइस होना चाहिए, चाहे हमारा स्मार्टफोन हो या फिर एक लैपटॉप हो जिसको हमें सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन देना है। उस इंटरनेट कनेक्शन को देने के लिए हम अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट का भी यूज कर सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है, क्या क्या टेक्नोलॉजी इसमें यूज की है। तो वर्तमान समय की बात की जाए तो कोरोना काल के बाद हमें अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है और जिस तरीके से हमारा इम्यूनिटी लेवल बिफोर कोविड होता था, अब आफ्टर कोविड उसके लिए हमें बहुत अच्छी प्रिपरेशन की जरूरत है कि हमारा जो हेल्थ है वो उसका ट्रैक रिकॉर्ड हमको अच्छे से रखना चाहिए। क्योंकि कोरोना काल में हुए एक शोध के अनुसार ये पता चले कि जिन व्यक्तियों को पहले से गंभीर स्वास्थ्य की बीमारियां थी उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा और इसके चलते इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी कि जिसका आंकड़ा निकाल पाना भी एक प्रकार से असंभव कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि जैसे कि मैंने बताया मेरा इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज किया है और साथ में कुछ एडवांस बायोटेक सेंसर्स का उपयोग भी किया है जिससे हम कोई पेशेंट की जो मरीज है उसके स्वास्थ्य की जानकारी ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि ऐसी जो इक्विपमेंट्स हैं जो स्वास्थ्य के बारे में बताती है बहुत आसानी से उपलब्ध होती है, जो आजकल हमारे मेडिकल स्टोर में भी देखोगे आप लोग, ऑक्सीमीटर मिलता है जिससे हम ऑक्सीजन लेवल नाप सकते हैं, थर्मोमीटर तो है टेम्परेचर के लिए, उसी प्रकार से ब्लड प्रेशर के लिए भी आ गए हैं। तो ये सारी जो मशीन है इन सबको हमने जो इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल भी इसके अवेलेबल होते हैं उस सारे इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल को कंबाइन करके हमने ये अपना हार्डवेयर कंपोनेंट भी बनाया है। ये सारे डिवाइसेस और ये सारे हार्डवेयर कंपोनेंट हमको हमारे अटल टिंकरिंग लैब में भी अवेलेबल होते हैं जो नीति आयोग द्वारा स्थापित हैं। तो बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में हमारे पास अटल टिंकरिंग लैब है, वहाँ पे भी ये सेंसर सारे कुछ अवेलेबल है और ये डायरेक्टली हम ऑनलाइन में भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट में बहुत ही कम दाम पर वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और इस स्लाइड में हम देखेंगे कि जिस तरीके से हमने जो सेंसर यूज किया है अपने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उसमें हम किसी मरीज की हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, लंग कैपेसिटी
ये सारी जानकारी को देख सकते हैं। और ऑक्सीजन लेवल अगर किसी पेशेंट का कम हो रहा है तो इसके लिए हमने बहुत सही तरीके से ये सारे कुछ क्राइटेरिया फिक्स किए हैं, जिसको हमारा डिवाइस है जो मेजर करेगा। और आप देख सकते हैं कि उसको हमने बहुत ही गंभीर स्थिति को देखा है। और इनके सारे जो जैसे कि बात की जाएगा ब्लड प्रेशर की, तो हमने उसके लिए भी बहुत अच्छा स्टडी किया है कि ताकि रेंज हमारे डिवाइस में फिक्स रहे कि अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर हम मेजर कर रहे हैं तो उसकी सही रेंज, मिनिमम रेंज, नॉर्मल वैल्यू और अगर जो क्रिटिकल वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए। और भी हमने इसी तरीके से जो जरूरी हेल्थ क्राइटेरिया है उसको मेजर किया है। और एक अच्छी बात ये रहेगी हमारे इस प्रोजेक्ट में कि हमारा जो जानकारी होगा वो केवल संख्यात्मक जानकारी नहीं होगी, जो भी डेटा हम पेशेंट का कलेक्ट करेंगे उसको हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो एक ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट करेगा। सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं तो उसको मैं आपकी कुछ आने वाली स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा जो सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे। ये कुछ सेंसर अभी जो दिख रहे हैं आपको जो हमने इस प्रोजेक्ट हार्डवेयर बनाने के लिए यूज किए, इस तरीके का ये हार्ट रेट पल्स सेंसर अवेलेबल होते हैं, हमको बहुत आसानी से ऑनलाइन में भी अवेलेबल हो जाता है। लंग कैपेसिटी के लिए भी ऐसा सेंसर अवेलेबल है। इस तरीके से हमारा ये प्रपोज मॉडल लगेगा, ये आप देख सकते हो। तो हमारा जो ये हार्डवेयर है जो सेंसर जो जानकारी कंडक्ट करेगा उसको सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम शेयर करेंगे। कई सारे ऐसे ओपन सर्वर अवेलेबल हैं हेल्थ के लिए, और थिंकस्पीक भी एक सर्वर है जिसका यूज करके हम इसको कर सकते हैं। और एडवांस में देखा जाए तो हमारे ऑलरेडी हमारे पास एक बहुत बड़ा ऐप और सर्वर अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास जिसका नाम है आरोग्य सेतु ऐप। तो अगर हम चाहें तो अपनी इस सारी जानकारी को आरोग्य सेतु ऐप में भी अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि आरोग्य सेतु ऐप उतने इफिशियंट तरीके से कोविड के टाइम में एक्टिव नहीं था, उतना अच्छा रिस्पॉन्स हमको नहीं मिल पाया था। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि आरोग्य सेतु को लोगों ने जानकारी लोग अपनी सुविधा अनुसार भर रहे थे, क्योंकि लोगों को परमिशन था उसमें डेटा फिल करने का, तो लोग ट्रैवल परमिशन लेने के लिए अपने अकॉर्डिंग उसमें डेटा फिल कर रहे थे, वो एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो एक विश्वसनीय जानकारी देने के लिए हम इसमें अपलोड कर सकते हैं कि अगर ये हमारा डिवाइस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इंस्टॉल होगा तो वहाँ के जो कर्मचारी है, वहाँ के जो ऑपरेटर है, जो कि एक अथॉरिटी पर्सन है गवर्नमेंट के, वो उस पेशेंट का डेटा एंटर करेंगे तो वो एक सही जानकारी होगी। और वो सारी जानकारी एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अपनी गवर्नमेंट के साथ और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ हम शेयर कर सकेंगे, जिस जानकारी के आधार पर हमारा जो सॉफ्टवेयर रहेगा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वो बहुत सही तरीके से डेटा को एनालाइज करेगा कि सारे जो नॉर्मल पेशेंट है उनकी जानकारी को शेयर और हाईलाइट नहीं करेगा, ग्राफ जनरेट नहीं करेगा। ग्राफ जनरेट और हाईलाइट सिर्फ उन जानकारी या उन पेशेंट्स के डेटा को ग्राफ जनरेट होगा जिनका वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा है, जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, टेम्परेचर हाई है और लंग कैपेसिटी में प्रॉब्लम है। ऐसे जो सेंसिटिव पेशेंट है सिर्फ उनकी जानकारी को एक ग्राफ के माध्यम से अपलोड करके ये हम अपने हेल्थ डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट के साथ शेयर करेंगे। ये सारे सेंसर्स को कंट्रोल करने के लिए इस तरीके का कंट्रोलर हम यूज करेंगे, जैसे कि देख सकते हैं आर्डिनो का कंट्रोलर है जो एक वाईफाई इनेबल्ड भी आता है इसमें। तो ये एक तरीके का पॉकेट सीपीयू आप समझ सकते हो जो सारे सेंसर्स जो हमारे डिवाइसेस होंगे उनको कंट्रोल यही करेगा। और इंटरनेट भी जो हम प्रोवाइड करेंगे अपने इस हार्डवेयर को इसी के जो वाईफाई मॉड्यूल है ये कनेक्ट करेगा इंटरनेट से और शेयर कर देगा जानकारी अपने सर्वर में। Now I would like to conclude my project. तो अभी तक की जो हमने डिस्कशन किया उससे मैं ये निष्कर्ष बताना चाहूँगा अपने प्रोजेक्ट का कि अगर हमारा ये हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम, हमारा ये डिवाइस अगर सभी गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अगर उपयोग में लाया जाता है तो इससे हम आने वाली किसी भी महामारी और कोरोना जैसी भयावह स्थिति के लिए बचने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण अंचल में, दूर दराज के इलाकों में भी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद।